ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि गृहस्थ आश्रम के ब्रह्मचारी जो हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन किस तरीके से करें कि उनके लिए महत्वपूर्ण हो और निश्चित तौर पर वो संसार में अपनी कीर्ति को छोड़कर जाएं, अपने नाम को छोड़कर जाएं। तो निश्चित तौर पर ये समझने का प्रयास करिए कि आपको दिन गिनने की ज़रूरत नहीं है यदि आप सांसारिक ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी हैं। आपको दिन गिनने की ज़रूरत नहीं है, आपको साल गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए हमारा शास्त्र क्या कहता है इस विषय पर। हमारा शास्त्र कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ जो हैं उनके लिए संतान उत्पत्ति के लिए ही ब्रह्मचर्य खंडन करना चाहिए, वो उचित है। उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य खंडन नहीं करना है। आप गृहस्थ हों तब भी और अखंड ब्रह्मचारी हैं तब तो उनके लिए बिल्कुल अलग है। आप जानते हैं यहाँ पर गृहस्थ की बात हो रही है। आप समझने का प्रयास करिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के समय ही अपना ब्रह्मचर्य खंडित करना है, वो भी पूजा पाठ के विधि से, प्रभु को, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए कि प्रभु आज हम ब्रह्मचर्य का खंडन कर रहे हैं संतान उत्पत्ति के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर हमारी इस पूजा को स्वीकार करिए आप, तो निश्चित तौर पर आपके घर में एक दिव्य बालक का जन्म होगा। और यदि आप लगातार कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन किए हों तब, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इस हिसाब से जो व्यक्ति किया है तब तो निश्चित तौर पर उनके घर में दिव्य आत्मा का जन्म होगा। और जो थोड़ा कम किया है उनके घर भी होगा, अच्छे क्वालिटी के होंगे, मजबूत संतान होंगे, लेकिन उस लेवल पर नहीं होंगे जिस लेवल पर उस व्यक्ति का होगा। तो समझने का प्रयास करिए सिर्फ और सिर्फ आप मान कर चलिए कि आप संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य खंडित कर सकते हैं, गृहस्थ जो हैं वो ब्रह्मचारी। तो आपको ये देखना है कि आप लगभग समझ लीजिए कि 4 बार खंडन कीजिए, 5 बार खंडन कीजिए, 10 बार खंडन कीजिए, इतने बच्चे को पैदा कर लीजिए, उससे अधिक पैदा मत करिए। और इतना आपके लिए श्रेष्ठ भी होगा कि 8-10 बच्चे ठीक है। मैं कहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो बच्चे कम कर दिए गए, 2 बच्चे सिर्फ और सिर्फ पैदा हो रहे हैं, और हमारे देखिए यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो 12-12, 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा देश जो है हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में। और नासा का जो है कि ये एक रिपोर्ट मिला था जिसे हमने पढ़ा कि नासा ने बताया कि 2050 तक जाते जाते भारत में मुसलमानों की संख्या अधिक होगी। तो समझने का प्रयास करिए कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य जो पालन कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में, वो ब्रह्मचर्य का खंडन सिर्फ और सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आगे अग्रेसित करिए जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः।